हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आपको ऐसे पता ही है कि अब होली आने वाली है बहुत ही जल्दी, तो मैंने सोचा आज होली के लिए कोई चीज़ बनाई जाए। और आपको पता है हमारे यहाँ शाम में इवनिंग टाइम में सब लोग पापड़ चिप्स वगैरह खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इसी में मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ साबुदाने के पापड़। इसमें देखिए मैंने एक कटोरी साबुदाना रात में बॉईल करके रख दिया था। एक कटोरी में जितने आप साबुदाना लिया था उतना ही पानी डाल के सोख करके रख दिया था। इसमें देखिए थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा है, पर कोई बात नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी पानी डालना है। इसमें डलता क्या है, पानी, साबुदाना और थोड़े से स्पाइसेस। अब हमने इसमें करना क्या है, देखिए ये साबुदाना हम ये बाउल में डाल देंगे। हमें इसमें 1:4 की रेशियो में पानी डालना है। एक कटोरी तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं सोख करते समय। अब हम इसमें 4 कटोरी पानी और डाल देंगे। देखिए 3, 4, ये बस हमारा पानी हो गया। अब हमने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, बहुत तेज आंच पे नहीं करेंगे इसको। और ये देखिए नीचे साबुदाना, देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि सारा नीचे बैठा हुआ है क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, साबुदाना बहुत भारी होता है। और भी देखिएगा थोड़ी देर में धीरे धीरे वो अपना स्टार्च छोड़ना शुरू करेगा और धीरे धीरे साबुदाना ऊपर हो जाएगा। अब हमें इसको अराउंड 10 से 12 मिनट हम इसी तरह करेंगे थोड़ी देर। देखिए मैं 5-7 मिनट करती हूँ, फिर आपको फिर से दिखाती हूँ। ये ऊपर आने लग जाएंगे साबुदाना। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, 5-6 मिनट। और आप ये देखिए जैसे ही ये देखिए अपना स्टार्च छोड़ रहा है, वैसे वैसे ये हल्का होता जा रहा है और ऊपर आता चला जा रहा है। ये देखिए ऊपर आ रहे हैं। और अभी ये बिल्कुल जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये पानी में बिल्कुल लगेगा कि डिजोल्व हो गया ये तो साबुदाना, तो फिर हमारा अभी होगा। अभी हमें इसे अराउंड 10 मिनट और इसको पकाएंगे गैस पे, और मीडियम फ्लेम पे ही करना है इसको, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। और हिलाते रहना है जिससे कि नीचे लगे ना। ये देखिए साबुदाना बिल्कुल देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है और पानी में बिल्कुल मिक्स होने लग गया है, घुलने लग गया है। ये देखिए और सारा साबुदाना ऊपर की तरफ आ गया है। ये देखिए अब इस टाइम पे हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, साबुत जीरा डालेंगे सॉरी। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं, कई लोग साबुत जीरा नहीं पसंद करते। तो ये देखिए थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अगर आप ये व्रत में खा रहे हैं तो इसमें आप नमक में सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी नमक की जगह सेंधा नमक डाल लीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल लीजिए इसमें। आप चाहे तो केवल नमक डाल के भी बन जाता है, जैसे भी बनाना चाहे। और साबुदाने के पापड़ भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, एक तो एक जैसे ये है इसी तरीके से जो छोटे छोटे साबुदाने के दाने दिखाई देते, एक इसको पीस के। तो बस ये वाला हमारा लगभग तैयार हो गया। 2 मिनट इसको हम चला लेते हैं और इसको हम सेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोसेस भी बताऊँगी जो मैं बता रही हूँ पीस के साबुदाना, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा बिल्कुल हो गया रेडी। अब इस टाइम पे हमें गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मेरी क्वांटिटी कम है तो इसलिए मैं इसको स्टील की थाली में कर रही हूँ, बना रही हूँ। अगर आपके ज़्यादा क्वांटिटी में आप एक बार में बना रहे हैं तो आप इसको किसी बड़ी शीट पे प्लास्टिक की, उसको भी आपने अच्छे से, देखिए मैं ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ इसको, क्योंकि अगर आप ऑयल से नहीं करेंगे तो ये प्लेट या थाली में चिपक जाएगा। और अच्छे से ग्रीस कर देंगे तो ये तुरंत निकल आता है, बिल्कुल भी आपको निकालने में परेशानी नहीं होगी। ये मैंने कर लिया और मैंने बोला ना कि आपको मैं दो तरीके से बताऊंगी, तो एक थाली एक पापड़ के लिए तैयार कर लेती हूँ, दूसरी वाली दूसरी। इसको अच्छे से साइड से भी पूरा अच्छे से ग्रीस कर दें। और साबुदाने के पापड़ 2 दिन में तैयार हो जाते हैं सूख के, बिल्कुल खाने के लिए अच्छे से धूप निकली हो, बस तेज धूप। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया। अब उसको 2 मिनट मैं ठंडा होने देती हूँ, 2 मिनट जरा सा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गोल गोल साबुदाने के पापड़ आपने कैसे बनाने। चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए हमने ठंडा कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, आप देख लीजिए पापड़ की है ना। बहुत पतला होगा तो वो पानी की तरह आप डालेंगे तो वो बहता चला जाएगा, और बहुत गर्म भी डालेंगे आप तो ये भी है कि वो भी प्लास्टिक की शीट पर अगर डाल रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा कि गर्म गर्म डालना, तो उसको ठंडा करके डालिए। मैं प्लेट में बना रही हूँ और आपको बताती हूँ कि अगर थोड़ा शेप में आपको चाहिए साबुदाने के पापड़ तो ये आपके पास गोल्ड बैंगल्स होंगी, आप इनको यूं रख लीजिए।
क्योंकि नहीं तो ये साबुदाना का पापड़ फैलता है, काफी टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा लीजिए और चूड़ी के अंदर ऐसे लगा दीजिए। इतना ध्यान रखना है कि चूड़ी के ऊपर ना आए। अब ये देखिए इसने शेप ले लिए। अब हम इसको चूड़ी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये वाली चूड़ी हम उठा लेंगे, इसको यहाँ रख लेंगे। इसी तरीके से हम इन्हीं चूड़ियों से पूरे पापड़ी वाले बना लेते हैं और थोड़ा सा बचा लेंगे इसका बैटर, ये साबुदाने का, जो मैं आपको वो भी थोड़े से बना के बताऊंगी कि वो वाले पापड़ जो बता रही थी मैं दूसरे वाले पीस के। इसी तरीके से मैं इस थाली लायक बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक प्लेट में सेट कर लिए, देखिए कितने शेप में आए हैं। और अब इसके अलावा मेरा ये बैटर बच गया है इतना सा, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके वाले पापड़ बताती हूँ। इसको हमने क्या करना है, जार में डाल के इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए मैं एक ही बैटर से आपको बता रही हूँ, तो अगर आप पीसे वाले बना रहे हैं तो पीसने के बाद ज़ीरा डाल लीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़ीरा पिस जाएगा इसमें। तो मैं वो भी करके मैं इसको अच्छे से महीन इसको पीस लूँगी। और पीसने के बाद अगर आपको बैटर लगे कि बहुत ठीक हो रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको पीस लेती हूँ। देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। देखिए बिल्कुल फ़र्क इसमें ये है उसमें, कि वो जो साबुदाने के छोटे छोटे वो पीस वो दिखाई देते हैं साबुदाना, इसमें ये होता है कि ये बिल्कुल अच्छे से ये पिस जाता है। अगर इस टाइम पे आपको ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा हो तो जैसे थोड़ा सा गर्म पानी डाल के, ये देखिए मैं भी थोड़ा सा गर्म पानी, मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको, ये जो अंदर फंस गया इसको निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। थोड़ा मुझे बैटर थिक लग रहा था तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी गर्म करके डाला है। अब इसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। आपको इस समय लगता है कि इसका साइज़ बड़ा करना है चूड़ी का, तो आप बड़ी चूड़ी भी ले सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से, इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना लेंगे। इसमें ये कि साबुदाना का जो दाना होता है वो नहीं दिखाई देता है। ये देखिए हमारे ये वाले पापड़ भी बन गए हैं। और जब ये बनेंगे इसको 2 दिन का टाइम लगेगा, इसको हमने अच्छी तेज़ धूप में रखना है और 3 घंटे तक आप एक साइड में रखना है। उसके बाद 3 घंटे बाद देखेंगे ये साइड से छूटने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनको पलट देंगे हम और शाम अच्छे से सूख जाएंगे एक दिन। इसके बाद अगले दिन फिर बहुत अच्छे से सुखा लेना और धूप लगा लेनी है इनको। ये देखिए हमारे दोनों तैयार हो गए, इसमें फ़र्क आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिना पिसे हुए हैं, ये पिसे हुए पापड़ हैं। आप इसमें चाहें तो ज़ीरा साबुत ऐड बाद में और कर सकते हैं, इसमें तो पिस गया है। तो ये देखिए हमारे पापड़ तैयार है, अब हम इनको सुखा लेते हैं, फिर मैं आपको इनको तल के दिखाती हूँ इन पापड़ों को। देखिए मेरे पापड़ सूख गए हैं, ये वाले पापड़ वो हैं जो मैंने साबुदाना पीस के बनाया था, अराउंड 10-12 पापड़ बने। और ये वो वाले जो साबुदाने वाले, ये अराउंड 14-15 पापड़ बने। तो एक छोटी कटोरी से इतने पापड़ बनते हैं और मैंने साइज़ भी आपको बताइए थोड़ा सा छोटा ही बनाया था छोटी चूड़ी से। अब मैं आइए इनको पहले ये वाले फ्राई कर लेती हूँ। इसको दबा के फ्राई करना है और घी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। देखिए ये कितने बढ़िया बन गए, तल गए और क्रिस्पी पापड़। ये देखिए ये हैं जो साबुत थे जो हमने पीसे नहीं थे, ऐसे ऐसा जितना फर्क होता नहीं है उसमें। अब हम वो वाले भी तल लेते हैं थोड़े थोड़े, ये भी तल लेते हैं। और ये देखिए ये वाले मैंने थोड़े से और तल लिए, अब मैं दूसरे पापड़ तल लेती हूँ। आइए ये वाले तल लेती हूँ। बस ये ध्यान रखना है कि आँच तेज बहुत होनी चाहिए, बिल्कुल गर्म होना चाहिए। अगर आपको उसको गर्म बना बड़े बनाना है तो आप बड़ी चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या वैसे ही डाल लीजिए, वैसे भी डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मेरे पापड़ सारे तल गए हैं,
और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बने। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया यम पापड़ बने। अब होली आ रही है, फटाफट, अगर आपने अभी तक पापड़ नहीं बनाए तो फटाफट पापड़ बनाइए। और एक चीज़ और बना दूँ इसका, आप देखिए नवरात्र भी आने वाले हैं अप्रैल फर्स्ट वीक में, तो ये पापड़ आप सेंधा नमक डाल के बनाइए, जो आपने होली में भी आपके काम आएंगे और नवरात्र के व्रत में भी आपके काम आएंगे। तो चलिए आप इसको बनाइए, और अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।